सोशल मीडिया सर्वेलेंस के दौरान दो फेसबुक प्रोफाइल से एक वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें माननीय केंद्रीय गृह मंत्री का एडिटेड वीडियो, उनकी सभा में जो उन्होंने स्पीच दी थी उसका एडिटेड वीडियो इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से शेयर किया गया था। इसको ज्यादा इन्वेस्टिगेट करते हुए इसमें फिर हमने एक FIR नोदी है, जिसमें सेक्शन 505A, 1B, 469, 153A और IT एक्ट के हेठ ये गुना नोदा है। उसमें मुख्य दो आरोपी हैं जिनकी दो फेसबुक प्रोफाइल्स थी, एक फेसबुक प्रोफाइल सतीश भाई वंसोला के नाम से थी और दूसरी फेसबुक प्रोफाइल RB बारिया के नाम से थी। ये दो मुख्य आरोपी हैं और उनकी हमने कल अरेस्ट किया है और आगे की जांच कर रहे हैं। प्राथमिक तपास के इन्वेस्टिगेशन में ये जानकारी मिली है कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, आगे हम इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक पालनपुर से है जो सतीश भाई वंसोला है, वो पालनपुर के हैं मूल, और दूसरे जो हैं RB बारिया वो दाहोद लिमखेड़ा के हैं। ये हम अभी जांच कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी भी फेक न्यूज, फेक वीडियो या फेक प्रोपेगेंडा का कभी भी जीवन में समर्थक नहीं हो सकता। मैं इस प्रकार की सारी हरकतों की निंदा करता हूं, लेकिन आज के सोशल मीडिया की दुनिया में अनगिनत हजारों लाखों रील्स, फेसबुक के पोस्ट और व्हाट्सएप के मैसेजेस और वीडियोस घूमते रहते हैं, जिसमें किसी का गलत इंटेंशन न हो तब भी लोग गलती कर बैठे हैं। ऑफकोर्स लोगों को सावधान रहना चाहिए, वो आप हो, मैं हो या सतीश भाई हो, लेकिन सिलेक्टिवली किसी को चुनाव के वक्त वो कैंपेन न कर पाए इस प्रकार से टारगेट करना, और वो भी जहां पर नॉर्थ गुजरात की पाटन और लोकसभा की सीट, जहां कांग्रेस डंके की चोट पर चुनाव जीतने जा रही है, वहां दलित समाज का वो काम न कर पाए, दलित समाज के बीच में मोबिलाइजेशन न कर पाए, उस इंटेंशन के साथ उसकी गिरफ्तारी करना, उसके पीछे की मंशा बहुत साफ है। भाजपा RSS के लोग पूरा IT का सेल चलाते हैं, उनके लोग वहां से निकलकर भाजपा RSS छोड़कर किताबें लिखी है कि किस प्रकार से RSS और BJP का IT सेल लगातार फर्जी खबरें फैलाता रहा और आज भी फैलाता है। उसका यदि कॉग्निजेंस लिया जाए तो कम से कम 10,000 RSS और भाजपा के लोगों की गिरफ्तारी होगी। चूंकि 1 तारीख को नॉर्थ गुजरात के डिसा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है और आपने दलित समाज के एक लोकप्रिय युवा साथी की गिरफ्तारी की है, तो डिसा, बनासकांठा और पाटन के दलितों में इसका मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। बहुत से लोग मोदी जी के स्वागत के लिए जा सकते हैं, यहाँ की पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को मैं अवगत भी कर रहा हूँ, जितना दलितों को दबाने की कोशिश करोगे स्प्रिंग की तरह उछलेगा। मेरे साथ एक बार आसाम वाला प्रयोग कर चुके हैं, मुंकी खाकर बैठे हैं, और जितने दलितों को दबाओगे इंकलाब और भी बुलंद होगा, यही कहना चाहता हूँ। सतीश जी क्या आपके साथ जुड़े थे? सतीश जी मेरे साथ जुड़े हैं, भाई के बराबर है, मुझे इसके जैसे साथियों के ऊपर गौरव है। हाँ, यदि उसकी गलती है तो यदि हम उसका स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर गलत इंटेंशन से कभी वो कुछ करने वाला आदमी नहीं। 6 साल से मैं उसको करीबी से जानता हूँ।